राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ शिक्षक शिक्षा अकादमिक शोध पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के विकास हेतु प्रदेश की शीर्ष अकादमिक संस्था है, जो 1981 से लगातार शैक्षिक क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रही है। जहां पहले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्यक्षेत्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक ही सीमित था, वहीं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसका कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा तक विस्तारित हो गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। ये बड़े गर्व का विषय है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश को दी गई है। इस प्रकार परिषद का कार्यक्षेत्र पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक विस्तारित हो गया है। वर्तमान में SCERT द्वारा पूर्व प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विकास किया जा रहा है। मूल्यांकन एवं शैक्षिक शोध पर भी बहुत बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए परिषद सतत रूप से प्रयास कर रही है। हमारा विशेष फोकस नवाचारों को प्रोत्साहित करने, भाषाई और गणितीय कौशलों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर है। इस हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का विकास, कार्यशाला का प्रशिक्षण, कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हम शिक्षक प्रशिक्षकों एवं शिक्षकों में कार्य दक्षता का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। परिषद द्वारा पूर्व प्राथमिक स्तर का 1 वर्षीय बाल वाटिका 3 से 6 वय आयु वर्ग के बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री और गतिविधि आधारित शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास भी कराया जा चुका है। इसके साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षकों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के क्षमता संवर्धन हेतु पाठ्यक्रम उदय का विकास किया गया है, जिससे कि पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कुल 14 इकाइयां हैं, जिनमें उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञान शाला, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज और रामपुर, CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज और आगरा तथा 10 मंडलों में स्थापित मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र प्रमुख सहायक इकाइयां हैं। वर्तमान में प्रदेश में 70 डाइट्स कार्य कर रही हैं और नवसृजित 5 जनपदों में डाइट निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से प्रदेश में शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारण और संदर्भ सामग्री विकास के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्वयं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए नजर डालते हैं पिछले सत्र में किए गए कुछ प्रयासों पर। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को एक अच्छे मानव के रूप में तैयार करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन कौशल दर्पण प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास कराया गया है, जिसमें WHO द्वारा चिन्हित 10 जीवन कौशलों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण हेतु गणित रिमेडियल प्रशिक्षण, साथ ही हिंदी और विज्ञान के उपचारात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, जो कि अभी प्रक्रियारत है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में स्थानीय भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्दों को उत्तर प्रदेश की प्रमुख 4 बोलियों भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी में शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी का विकास राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज द्वारा किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और सराहनीय पहल है। खेलों के महत्व को ध्यान में रखकर शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित खेलों को शामिल करते हुए खेल मंजूषा नाम की पुस्तक का भी विकास कराया गया है। SCERT विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करती आई है, जिसमें डाइट के संकाय सदस्यों प्रवक्ताओं के क्षमता संवर्धन हेतु शैक्षिक तकनीकी प्रशिक्षण और डाइट के माध्यम से शिक्षकों के सेवापूर्व तथा अनेक सेवारत प्रशिक्षण शामिल हैं।
शैक्षिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के दीक्षा प्लेटफॉर्म के लिए SCERT और डाइट के सहयोग से 6,500 से अधिक विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डिजिटल कंटेंट का निर्माण किया गया है। विभिन्न सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ऑनलाइन मोड में रूपांतरित किया गया। इस मॉड्यूल के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का ऑनलाइन मोड में तैयार कर ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है। कोविड के दौरान केंद्र सरकार द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी योजना PME विद्या के लिए भी विषयवार डिजिटल कंटेंट तैयार करने हेतु संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। वैश्विक महामारी के समय तकनीकी शिक्षा के महत्व को भलीभांति देखा और समझा गया। महामारी के दौरान हुए लर्निंग गैप को भरने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी कार्यक्रम हेतु शैक्षिक सामग्री का विकास किया गया है तथा इस पर डाइट के माध्यम से SCERT तथा रूम टू रीड के सहयोग से क्रियात्मक शोध भी गतिमान है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के साथ ही DLED, DPED एवं DGP ट्रेनिंग के पाठ्यक्रमों एवं पाठ सामग्री का भी विकास करता है। परिषद के अति महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य। एक ओर जहां ये अध्यापक पात्रता परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, DLED जैसी परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा शामिल है। पाठ योजना निर्माण, ICT, TLM निर्माण, योग, नाटक एवं अन्य विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रदेश में शिक्षकों के मध्य न सिर्फ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की गई है बल्कि उनके व्यक्तिगत गुणों को भी सामने लाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वे अपनी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि कर सकें और प्रोत्साहित होते रहें। शिक्षकों के साथ साथ डाइट के कला विषय के प्रवक्ताओं की कलाकृतियों की प्रदर्शनी, सृजनोत्सव का आयोजन ललित कला अकादमी लखनऊ में किया गया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इंडियन साइन लैंग्वेज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी ई कंटेंट का विकास किया गया है, जिसे परिषद के प्रज्ञप्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षक एवं छात्र छात्राओं के बीच उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के योगदान पर। परिषद द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य का नेतृत्व कौशल विकास आधारित 10 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। कक्षा 9 और 10 के अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय के लर्निंग आउटकम का विकास किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 9 के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का विकास भी विभिन्न जनपदों के डाइट प्रवक्ताओं के सहयोग से किया जा रहा है। संस्था के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम अर्थात किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से किशोर बालक बालिकाएं तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए सकारात्मक प्रत्युत्तर जैसे जीवन कौशलों का विकास कर सकेंगे। चरणबद्ध रूप से सभी डाइट्स को वर्ष 2025-26 तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2022-23 में 5 डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने का कार्य गतिमान है। भविष्य में उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग स्किल्स को भी शामिल करने की प्रक्रिया गतिमान है। हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने सहयोगी इकाइयों के अथक परिश्रम एवं अमूल्य सहयोग से विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा दोनों में गुणात्मक सुधार करते हुए कक्षा के सबसे अंतिम कोने में बैठे हुए बच्चों तक 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पहुंचाने में सफल होंगे। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, ई कंटेंट, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के लिए टीम SCERT प्रतिबद्ध है। मिलकर बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश।